हेलो, नमस्ते सेगल आदाब। मैं हूँ गणेश नोली आदित्य बोरा में, और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा मैंने अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें डलवा रखी हैं, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन हैं और वो कितने की पड़ी, वो आपको मैं बताऊंगा सारा आज इस वीडियो में। क्योंकि मैंने जब से फुल होम स्टूडियो टूर वीडियो मेरा डाला है तब से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है कि यार तेरे पीसी के बारे में बता, पीसी पर वीडियो बना, पीसी का फलाना ये ढिमका बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैंने फाइनली वीडियो बनाने का सोचा है, तो मैं आज आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। प्लीज स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य, एंड सब्सक्राइब कर लें एंड डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करें, और मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम एंड बाकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके फॉलो करें मुझे। करते हैं शुरू। तो सबसे पहली चीज जो है कंप्यूटर के अंदर, i7 इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, 9th जनरेशन जो है, ठीक है। इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके, आप वहां पे चेक कर सकते हो। सभी की प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो i7 इसमें 9th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है। उसके बाद बात आती है इसमें जो है स्टोरेज की। स्टोरेज में इसमें तीन तरह के स्टोरेज मैंने सेलेक्ट किए हैं, और फर्स्ट जो है इसमें विंडो इंस्टॉलेशन के लिए जो है मैंने इसमें लगाई है इंटेल की M.2 SSD, जो कि 512 GB की है, जिसमें क्या है आप विंडो इंस्टॉल मैंने अभी इसमें की हुई है, और सॉफ्टवेयर ओवरऑल काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, मतलब विंडो की जो स्पीड है वो सब फास्ट हो जाती है M.2 SSD लगाने से, क्योंकि M.2 SSD जो तीनों टाइप की SSD इसमें लगी हुई हैं उन सबसे फास्ट है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल SSD 1 TB की, जिसमें मैं अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने वाला हूँ, और स्पीड ट्रांसफ़र रेट के लिए ये मैंने लगा रखी है इसमें, और फिलहाल डब्बे ही हैं, बाकी सब जो है इसमें लगा हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें मदरबोर्ड, जिसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मदरबोर्ड है MSI कंपनी का, MSI काफ़ी अच्छा ब्रांड है, सभी जानते हैं आप लोग। MPG Z390 इसका मॉडल है। इसमें दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, एक तो ये कलर मिलता ही है, उसके अलावा इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों इनबिल्ट ही मिल जाता है मदरबोर्ड के अंदर। जी हाँ, आपको एक्स्ट्रा कोई गुट्टी वुट्टी लगा के और वो सब लगा के काम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको दोनों चीज़ें इसमें इनबिल्ट मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे एक फुल फीचर्ड गेमिंग पीसी है, जिसमें हम गेम नहीं खेलते हैं, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग एंड म्यूज़िक वगैरह का ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपको देखने में आ रहा है इतनी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और उसके बाद ये सबसे महंगी चीज़ जो है इस कंप्यूटर की, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के लिए भी MSI को ही मैंने बेस्ट माना और समझा, जो भी है जो ग्राफिक कार्ड है वो 8 GB का है, DDR6 टाइप का है, और 4K ग्राफिक कार्ड जो है 4K NVIDIA का GeForce RTX 2070, एंड आर्मर इसका जो है सीरीज का नाम है, और काफ़ी अच्छा जो कि है इसमें लगा हुआ है बाय द वे, ये जो दिख रहा है। और उसके बाद अगर आए हम पावर सप्लाई के ऊपर आते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई से ही सारी इसमें विद्युत का संचार हो रहा है, और जो कि है कूलर मास्टर की 750 वॉट की, आप जा सकते हो 650 पे भी, 750 भी ले सकते हो, और आप ले सकते हो हायर भी, 1000 वॉट की भी ले सकते हो, 800 की भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये एक ठीक ठाक है बीच में, क्योंकि अगर आप इतने सारा हैवी PC बना रहे हो तो पावर सप्लाई पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि नहीं कर सकते और क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है जो कि इन सब का ठंडा रखने का काम करता है, कूलर मास्टर का कूलर, जो कि लिक्विड कूलर है इस तरह का, जो दिखता है सेम, ठीक है। ये वाली चीज़ प्रोसेसर के ऊपर चिपक जाती है, और जिसका मॉडल नाम है मास्टर लिक्विड ML360 RGB लाइट इसमें काफ़ी ख़तरनाक लगती हैं। फिलहाल मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रेड किया हुआ, इसमें अडेप्टर से आप कलर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें रैम लगी हुई है, जो रैम है और वो है इसमें कोरशेयर की DDR4, इसमें 32 GB रैम है टोटल, 16 16 GB की दो लगी हुई हैं, और वेंजेंस LPX DDR4 इसका नाम है, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल रैम इसमें 32 GB लगी हुई है, ठीक है। और स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क नॉर्मल भी लगी हुई है, जिसमें सारे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। और उसके बाद इसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है। बात करते हैं अब कैबिनेट की। कैबिनेट गेमिंग पीसी के आप देखते हो बहुत ज़्यादा हेवी क्वालिटी के अजीब से आते हैं, लेकिन मैं कैबिनेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं रदर देन कैबिनेट पे इन्वेस्ट करूँ, उसके अलावा मैं बाकी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि कैबिनेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे लुक ओवरऑल स्टूडियो का बढ़ रहा है,
और यस आप फुल स्टूडियो टूर वीडियो चेक कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उसको जाके चेक करो। वहाँ पे मेरे को आप इन सब चीज़ों के बारे में भी बता दो, आप आओगे ठीक है। तो जो है इसका कैबिनेट है कूलर मास्टर का MB511, जो कि अप्रोक्स 5,000 के आसपास का पड़ता है, और इस तरह का दिखता है लुक। उधर वाली साइड पैक है, उधर वाली साइड सारे वायर्स वगैरह के कनेक्शन है, इधर वाली साइड ओपन है एकदम, और जो कांच है वो भी आसानी से निकल जाते हैं। एंड इसमें एक चीज़ अच्छी है कि फ़ैन काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाते हैं, और प्री इंस्टॉल फ़ैन इसमें 3 मिल जाते हैं। उसके अलावा जो है आगे वाली साइड वो सब पावर ऑवर के बटन और एयर वगैरह के लिए हॉल वगैरह, उधर वाली साइड में दिखा नहीं सकता आपको। और इसमें जो सीडी का ड्राइवर है वो नहीं है, बाकी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्सटर्नल से काम चला सकते हैं, एंड मेरे लैपटॉप के अंदर तो है ही सही। और ऐसा कुछ ही दिखता है, और अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, इस जगह रैम लगी हुई हैं दोनों, एंड ये रहा कूलर जिसका पाइप जा रहा है इसके अंदर। ये 3 फैन कूलर के हैं, रेडिएटर आगे लगा हुआ है इसका, जो भी बोलते हैं उसे, और पीछे फ़ैन लगा हुआ है एक, एंड 2 फ़ैन ऊपर लगे हुए हैं, मतलब पूरे में फ़ैन ही फ़ैन लगे हुए हैं। अगर इसको खुला छोड़ दें तो ये उड़ भी सकता है। और उसके बाद ये M.2 SSD लगी हुई है, जो चिप की तरह आपको देखने में आ रही है। बाकी मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ये रहा ग्राफिक कार्ड, एंड ये रही वो SSD जो नॉर्मल SSD है, एंड हार्ड डिस्क उधर वाली साइड रखी हुई है, उधर वाली साइड मतलब इस इन सब के बीच में एक छोटी जगह, वहाँ पे हार्ड डिस्क वगैरह और वायरिंग वगैरह हो रखी है, तो उधर रखी हुई है। एंड ये अडेप्टर है जो इसके फैंस के कलर वगैरह एंड सेट करने के काम आता है, और पावर सप्लाई इस जगह रखी हुई है नीचे, एंड पीछे सारे पोर्ट्स वगैरह हैं। सो उसके बाद देखते हैं कीबोर्ड, और लास्ट में हमारा माउस। कीबोर्ड माउस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और रंग बिरंगे हैं, और देखने में आ रहा है आपको इस तरह के कुछ दिखते हैं, और ये हैं जेब्रोनिक कंपनी के, जेब्रोनिक ट्रांसफॉर्मर सीरीज, और इसमें कलर आप चेंज कर सकते हो। यस अगर आप बिल्कुल शुष्क किस्म के आदमी हो, आपको कलर पसंद नहीं, तो आप बंद करके भी चला सकते हो इसको। एंड इसके जो कीज़ वगैरह हैं और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं गेमिंग नहीं करता लेकिन इतने मैं इन्वेस्ट कर सकता था, तो मैंने ये लेना सही समझा। और जो माउस है वो भी ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड दिखने में तो ये अच्छा है ही सही। इसका रेस्पॉन्स वगैरह और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह एंड जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और हाथ में काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें मैंने लगवा रखी हैं, एंड आई होप मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया कंप्यूटर के बारे में, मेरे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। और हो सकता है रैम अपग्रेड हो जाए, और कुछ भी अपग्रेड हो सकता है, वो बात की बात है, पर फिलहाल के हिसाब से ये बीस्ट है। इसमें कैसा भी आप गेम खेल सकते हो फुल सेटिंग पर, और वीडियो एडिटिंग के लिए जो लोग अडोबी प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट चलाते हैं वो सब इसमें बेधड़क होके चला सकते हैं। रेंडरिंग टाइम और एक्सपोर्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, एंड काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इतने फास्ट पीसी होने से। और जो मॉनिटर है वो है डेल का 27 इंच 4K अल्ट्रा शार्प रेजोल्यूशन, जिसका आप देख सकते हो रिव्यूज़ वगैरह, काफ़ी ख़तरनाक इसकी क्वालिटी है। वीडियो एडिटिंग के लिए जो कलर एक्यूरेसी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर, एंड फोटो एडिटिंग वगैरह आप करते हो, एंड और भी अगर आप ये म्यूज़िक भी बनाते हो तो आपको काफ़ी बड़ा वो मिल जाता है जिसमें आप अपना काम कर सकते हो इजीली, और बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखती हैं। बस इतना बड़ा मॉनिटर लेने का पर्पस वीडियो एडिटिंग के लिए ही है, म्यूज़िक के लिए आप बोलो कि इसका क्या ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एडजस्टेबल हाइट मिल जाती है आपको, और टिल्ट आप कर सकते हो इसको मॉनिटर को। ओवरऑल आई लव दिस मॉनिटर एंड दिस पीसी। आई होप अब मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं, अब आपको कोई इसमें मेरे डाउट नहीं रहेगा कि क्या क्या चीज़ें तूने ले रखी हैं। हो सकता है स्टोरेज अपग्रेड हो जाए और बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं, तो स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य। आपको मेरे चैनल पे जुड़े रहना है, एंड डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, वहाँ पे सारी लिंक और इसके प्राइस वगैरह सब वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, एंड मेरे सॉन्ग्स की लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके चेक करो। एंड मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर वन एंड ओनली आदित्य के नाम से, एंड वहाँ पे मैसेज डाल सकते हो आप, मैं फ्री होता हूँ तो मैं बिल्कुल रिप्लाई देता हूँ। एंड यस स्टे ट्यून कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य, और इसका फुल स्टूडियो टूर वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, चेक डिस्क्रिप्शन। बाय।